अमेली बेबी शादी करूँगा ना। चांद ताले? अरे चांद ताले क्या चीज है, मैं तुम्हारे लिए बालात भी ला दूंगा। हाँ सोनू की, टीटू की, स्वीटी की शादी, मेले चाचा की शादी में जलूल जलूल आना। इससे अच्छा तो इनको लिखाना चाहिए, उतना ही ले थाली में, फालतू ना जाए नाली में। सर्दी आ गई है, लोगों की शादी होगी, प्यार मोहब्बत रोमांस होगा, और मुझे मुझे बस जुकाम होगा। समझ नहीं आता लोग शादी करते क्यों हैं। क्योंकि वो चुप चुप बिल्कुल चुप, फालतू अश्लील बातें नहीं करेगा। मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे मेरा मतलब है, उनको चुपचाप जीवन जीना अच्छा नहीं लगता होगा, दिन रात लड़ाई करने में उनको मजा आता होगा। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं और मेरी जीव थत्ता ईच कलते हैं, ना ललते हैं ना दगलते हैं, बस दिन रात प्यार वाली बातें तलते हैं। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकेंड टाइम में सब हो गया। इसे सच्चा इश्क नहीं बोलते हैं, गिरगिट जितने रंग नहीं बदलता उतने तो गर्लफ्रेंड बदल देता है तू। वो दो भी हो, शादी करने वालों ते तेला दिमाग क्यों थला बोला है। परेशान शादी करने वालों से नहीं हूं यार, उनसे हूं जो जाएंगे सिर्फ शादी में खाना खाने और लिफाफा देने। देना हो तो यादगार तोहफे दो, महंगे गिफ्ट तो हर कोई देता है, और इतनी सारी सेल्फी फोटो लेंगे जितनी बड़ी तो दूल्हा दुल्हन की एल्बम नहीं होगी। और फिर दौर शुरू होगा व्हाट्सएप स्टोरीज का, लंबी लंबी व्हाट्सएप स्टोरीज। और भैया ये भी कम नहीं था कि कुछ लोग आएंगे बोलेंगे भाई ये लड़की पटवा दे, वो लड़की पटवा दे, ये लड़की पटवा दे, वो लड़की पटवा दे, अरे वो लड़की पटवा दे। अरे भाई दोस्त तू दोस्त, shaadi.com नहीं हूं। बस इन सब हरकतों से दिमाग खराब है मेरा। दुनिया में कोई भी वर्जिन मेरा मतलब वेजिटेरियन कोई नहीं होता, थोड़ा बहुत दिमाग तो सभी खाते हैं। दिमाग तो इस बात से भी खराब हो रहा है, जब से मौसी जी ने बोला है बेटा जवान हो गया है बड़ा हो गया है, तब से माँ मेरी शादी के लिए बोलती रहती है दिन भर। ओ अब आया अगली पॉइंट पर, मतलब बतला हलाल होता। नहीं मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी से, शादी के टाइम वाह वाह और शादी के बाद आह आह। कैसी वाहियात बातें कर रहा है, शादी का बंधन तो बहुत पवित्र होता है यार। पवित्र नहीं बिजली के तारों जैसा होता है, ओह नो सही जुड़ गए तो रोशनी ही रोशनी, वरना जिंदगी भर करंट ही करंट। मेरा मतलब है शादी के बाद बीवी के नखरे, बच्चों की जिम्मेदारी, दोनों साथ में उठाना पड़ते हैं यार। यही तो जीवन है यार भाई, लानत है ऐसे जीवन पर। जिंदगी तो वो हो जब आप एक आजाद परिंदे की तरह इस खुले आसमान जैसी दुनिया में आजादी से उड़ते रहो, ना कोई चिंता हो ना कोई फिक्र हो। शादी का लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो भी पचता है। लड्डू मीठे होते हैं, दांत खराब है मेरे, डॉक्टर ने वैसे भी मुझे मीठा मना किया है। इतने देता हूँ एते मीठे लोदो ते मिला ही मत तल, प्लान देंदल ते नहीं देंदल ते भाई लिया तल। 50 रुपये एक्स्ट्रा काटना पड़ेंगे इस ओवर एक्टिंग ना समझ के। मेरी उम्र है क्या शादी की? अरे भाई 23 साल का कार्टून देखने वाला बच्चा हूँ मैं। पहले मुझे भी लगता था मेरा दिल बहुत बड़ा है, 350 ग्राम है बस, साइंस बुक में पढ़ा तब समझ आया। क्या समझ आया? यही कि 23 साल का लड़का जवान होता है बच्चा नहीं। जिंदगी रंग बिरंगी चाहिए थी, पर यहाँ तो सबके सब गिरगिट मिल गए यार। डर लगता है आजकल के रिश्ते 2000 के नोट जैसे नकली ना हो। फिर भी थादी तो तलना ही पले थी तभी ना तभी। oh, no. आजकल की खबरें नहीं पढ़ते क्या तुम लोग? ये देखो महिलाएं हथेली में पति का नाम इसलिए लिखती है ताकि वो मुट्ठी में रहे। वाह क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, पति बना हैवान, काट दी बीवी की जुबान। क्या बात कर रहा है, पत्नी ने उसका बोलो जुबा केसरी चुरा लिया होगा। कमला पसंद से बारातियों का स्वागत न करने पर दूल्हे ने ससुर को पीटा। ससुर का आरोप कमला उनकी बेटी का नाम है सबको कैसे पसंद आ गई। कमला तो मुझे भी पसंद थी। डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट देते हैं दांतों की सलामती के लिए हमेशा पत्नी से जुबान
संभाल कर बात करें। oh, no! बेचारा डॉक्टर भी पत्नी से परेशान होगा। राजनीति के लोग कहते हैं कभी दिल्ली बंद, कभी भारत बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद, कभी अदरक बंद, कभी लहसुन बंद, सब बंद। अगर हिम्मत है तो बीवी की जुबान बंद करके दिखाओ। देखा ये सब हो रहा है देश में भाई, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, शादी बर्बादी होती है। इंसान का शादी करना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओ डीएफ नंबर 3। और एक्सटर्नल अफेयर करना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। हाँ बेबी। थादी। हाँ तुम तो ही तो तलुआ। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी।